हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। इतनी गर्मी हो रही है, दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, मेरा दुख दर्द किसी को नहीं दिखता। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा रिएक्शन करने का, पर मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास वक्त ही आज है, और वक्त आज है, संडे है आज, तो मुझे पूरा खींचना पड़ेगा, चूसना पड़ेगा पूरे संडे को अपने लिए। दो या तीन वीडियो के तो कम से कम करना पड़ेगा, दो या तीन तो पता नहीं, ये लास्ट कर रही हूँ मैं तो, थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, मन नहीं कर रहा। और बिना मन के मेरे से रिएक्शन होता नहीं है, बेमन से दो वीडियो भी बना दो तो आधे में तो मन लग ही जाता है ना। तब तक मतलब ये ईयरफोन आप कान में नहीं गए होते तब तक बिल्कुल मन नहीं लगता है, जब चले आते फिर तो लग जाता है। तो आज मैं सुनने वाली हूँ कोक स्टूडियो से, मैं उठाने वाली हूँ गाना, क्योंकि भाई साहब, और कोक स्टूडियो से वैसे नहीं, कोक स्टूडियो बांग्ला वाला उठाने वाली हूँ आज। बिल्कुल अपनी ऑडियंस, मुझे पता है मेरी ऑडियंस किस टाइप की है, मोस्टली पंजाबी ने देखा, हरियाणवी ने देखा, बट मैं आज बांग्ला सॉन्ग उठा रही हूँ। क्यों उठा रही हूँ? क्योंकि मैं कभी कभी ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी चीज़ें भी करनी चाहिए। तो जब मैंने बताया था, मैंने जुड़वास का थंबनेल देखा था, तो मुझे वो प्रोनाउंस करना ही नहीं आ रहा था पहले तो, और प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था उसके बाद से, फिर मैंने थोड़ा सा तो देख ही लिया था, ठीक है, एक दो लाइन जो देख ली थी। और जो गाना उठा था ना, मेरा देख के मन ऐसा हो गया था, ना नहीं एकता, पहले तो इस पर रिएक्शन कर ही दे। भाड़ में जाए जनता जब अपना काम बंद, नहीं सॉरी सॉरी, भाड़ में जाए रिक्वेस्ट को पेंडिंग करके अपने मन को थोड़ा सुना जाए और सुन लो जरा। मुझे पता है वो लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आएगी, मेरे को समझ में नहीं आएगा, पर म्यूजिक और लोगों के चीजें, उसी कोई बाउंड्री है ही नहीं। तो आ जाओ सुन लेते हैं गाना। अब एनर्जी आ गई, थोड़ा सा अच्छा हो गया, मैं बोलते बोलते गर्मी लग रही थी वरना बहुत। और मैं पहली बात बता दूं, क्योंकि मैंने जब थोड़ा सा जुड़वास के रिएक्शन में देखा था, तो एक दो जब एलिमेंट शुरू हुए थे, देखो मुझे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता, पर रिएक्शन करने के सबके अपने तरीके होते हैं। मैं टेक्निकल के अलावा मैं उसकी वाइब को फील करती हूँ, मेरे को म्यूजिक में जो समझ में आता है उस तरह का मैं बताती हूँ चीज़ें। तो हर तरह के लोग हैं, है ना, ब्लॉग्स भी कर रहे हैं तो हर तरह के लोग कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं तो हर तरह के लोग कर रहे हैं। तो टेक्निकल चीज़ों के लिए मैं तो खुद कहती हूँ जुड़वास को सुन लो, म्यूजिक आर्टिस्ट, संगीत आर्टिस्ट को सुन लो, किसी को सुन लो, बट अगर मेरे चैनल पे आए हो तो थोड़ा सा मेरा वाला बिल्कुल खो जाना है, ठीक है। तो मैं कितनी खुश हो रही हूँ ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग टाइप का सुन रही हूँ। 1 2 3 प्ले, ठीक है। बारिश वाला ये सब सुना था मैंने थोड़ा सा, 10-15 सेकंड का, मैंने कहा अब मैं करूँगी। এতো সুরের রঙিন সোনার তরি কোথায় গেলে পাবে, সুদিং ভয়েস লাগ রিয়ে রে ফিরি করে তো ভরে না মন তাতে তাতে देती हूँ। पहली बात, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ये जो बोलने का तरीका है ना, जैसे वो नहीं थी वो नूरी सिस्टर्स करके थी, कौन सा गाना था, पटाखा जुगड़ियो नशे में उड़ जाए ना, तो उसी टाइप की आवाज़ की थोड़ी सी, मतलब अलग अलग टाइप की आवाज़ जो होती है, थोड़ा सा मेल वर्जन टाइप का जो आता है उसमें, उस टाइप की आवाज़ में जब कोई गाना शुरू करता है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वो वाली आवाज़ की मैं अलग फ़ैन हुआ, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो वाला डांस शुरू कर दो, राजस्थानी वाला है, बांग्ला म्यूजिक चल रहा है, वो ऐसा वाला करने का मन कर रहा है। तो कितनी एक्साइटेड हो रहा हूँ यार, कितना हो रहा हूँ छी, तभी लोग कभी कभी सोचेंगे ओवर ही लगता है, पर मैं हो जा रहा हूँ यार, क्या करूँ मैं। ভাবিয়া মার পরিয়া সে লাল রঙের শাড়ি, ভাবিয়া মার পরিয়া সে লাল রঙের শাড়ি, দুই হাতে তে পরিয়া সে রেশমি
अभी खत्म हो, घर में पूजा हो रही है, शंख बज रहा है। आहा, इतनी इतनी गर्मी में हो रही थी, बीच में पता है स्टोरेज भी खत्म हो गई थी क्योंकि मैंने फोन में ही रिकॉर्ड करती हूँ। बता दो पहले बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, इसमें जो इतने सारे एलिमेंट बजे ना उससे मेरे को इतनी इतनी शांति शांति लग रही थी दिमाग में, और आवाज़ इतनी प्यारी थी, जिनके वोकल्स थे उनकी बहुत प्यारी आवाज़ थी। देखो बाद मुझे मीनिंग मीनिंग को समझ में नहीं आया, मैं सब टाइटल देख के मीनिंग भी देख लूँगी। आप लोग मुझे बहुत अच्छे लोग होंगे जो कमेंट सेक्शन में मुझे मीनिंग बता देंगे, बट म्यूजिक की जो एक बात होती है ना, वो नन 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 नन, और वो जो बीच में जो इनकी आवाज़ थी, मेल है फीमेल है मेरे को पता नहीं है, बट बहुत बहुत अच्छा उनके वोकल्स इतने प्यार लग रहे थे, ऐसा लगता जैसे बीच में आके कोई मसाला डाल जाता ना सब्जी में अलग टाइप का, वो वाला टेस्ट आ रहा था उनका पूरा पूरा म्यूजिक में। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ कुछ चीज़ देखने में मज़ा आ रहा हो, कुछ भी मेरी बातें सही लगती हो, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और इंस्टाग्राम वाली नोटिंगियाँ भी कर देनी है, थोड़ी सी है मेरे पास, मैं चलाती हूँ इसी ज़माने की, तो उसमें भी फॉलो वॉलो कर देना। मिलती हूँ आपसे, बहुत गर्मी लग रही है, बाय, टेक केयर एंड टाटा।